Hey guys, तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे पोको X3 के बारे में। गाइज यहाँ पर पोको X3 के लिए एक न्यू अपडेट देखने को मिला था MIUI 12.0.9.0। इस अपडेट में क्या नया देखने के लिए मिला वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या रिव्यू है, मतलब क्या क्या इसमें देखने के लिए मिलता है, क्या क्या चेंजेस किए गए तो उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही गाइस यहाँ पर काफी यूजर के मेरे को कमेंट सारे MIUI 12.5 और एंड्रॉइड 11 अपडेट के बारे में बताओ तो उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। छोटा सा वीडियो इंड तक बने। यहाँ पर अगर आप लोग पोको X3 का डिवाइस चैनल पर नए हो, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, एक नीचे लाल बटन यार उसको भी प्रेस कर लो, सब्सक्राइब हो जाएगा ताकि आप लोगों के लिए जैसे MIUI 12.5 एंड्रॉइड 11 की अपडेट आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके डिवाइस में आ जाएगी वीडियो के जरिए, इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लेना, फ्री में होता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पहले तो MIUI 12.0.9.0 अपडेट के बारे में। जी हाँ गाइस, यहाँ पर ये अपडेट जस्ट कल या परसों रिलीज किया गया था पोको X3 डिवाइस के लिए। अगर आपके पास पोको X3 का डिवाइस है तो यहाँ पर एक बार आप लोग जरूर जाकर चेक कर लेना, शायद आपके डिवाइस में होगा ये अपडेट। जैसे कि आप लोग पता, कोई भी अपडेट आता तो बैचेस में देखने के लिए मिलते, एक साथ सभी यूजर को कभी देखने के लिए नहीं मिलते। तो मिला, उन्होंने अपडेट कर लिया, मैंने भी अपडेट कर लिया। लेकिन गाइस यहाँ पर अगर आप लोग को अपडेट नहीं मिला, आप लोग वेट करना चाहते हो तो आप लोग को और 6-7 दिन का वेट करना पड़ेगा, फिर से आप लोगों के लिए रिलीज हो जाएगा जिनको नहीं मिला। यहाँ पर अगर आप लोग वेट नहीं कर सकते तो इसकी लिंक्स मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है, वहां से आप लोग कोई भी एक फाइल डाउनलोड करके अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हो। साथ ही गाइस यहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करके रख लेना, क्योंकि और भी कोई भी अपडेट आएगा आपके डिवाइस के लिए सबकी लिंक्स आपको वहीं पर हमेशा देखने के लिए मिलती रहेगी, अपडेट की न्यूज भी वहीं पर देखने के लिए मिलती रहेगी। लेकिन गाइस यहाँ पर MIUI 12.0.9.0 में कुछ नया मिलता है नहीं, गाइस यहाँ पर कुछ भी नया नहीं दिया गया। यहाँ पर सबसे पहले बात करूं तो पोको X3 में जो लास्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने के लिए मिलता था, जो कि नवंबर या दिसंबर का देखने के लिए मिलता था गाइस, तो यहाँ पर ये जो न्यू अपडेट रोल आउट किया गया इसमें एक तो इसकी साइज काफी ज्यादा कम थी, 90 MB के आसपास की कुछ साइज देखने के लिए मिलती थी, तो इतने MB में कुछ ज्यादा देखने के लिए मिलने भी नहीं वाला था। सिर्फ और सिर्फ गाइस यहाँ पर एक सिक्योरिटी पैच को चेंज किया गया, जो कि लेटेस्ट तो नहीं बोलूंगा, यहाँ पर January 21 का सिक्योरिटी पैच किया गया। काफी कम डिवाइस है Xiaomi के जिनको February का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने के लिए मिला होगा, बट यहाँ पर January 21 का ही एक सिक्योरिटी पैच अपडेट चेंज किया गया और कुछ भी इस अपडेट में चेंज नहीं किया है। यहाँ पर डार्क मोड 3.0 मिलता है नहीं मिलता गाइस, यहाँ पर जैसे कि आप लोग क्लियर देख पा रहे हो यहाँ पर कोई भी डार्क मोड 3.0 का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता, कोई भी न्यू फीचर डार्क मोड में आपको नहीं मिलेगा, जो पहले अपडेट में था वही आपको इसी अपडेट में देखने के लिए मिलता है। हाँ, यहाँ पर बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने के मिल रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा ठीक ठाक बोलूँगा मैं, बैटरी में कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिल रहा है। आप लोग अगर कोई भी इशू देखने के लिए मिला इस अपडेट के बाद तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे गाइस इस अपडेट में ज़्यादा कुछ नहीं था, तो यहाँ पर बग्स भी देखने के लिए कोई भी मुझे नहीं मिला, काफ़ी अच्छा चल रहा है इस अपडेट में। बट गाइस अगर मैं बात करूँ MIUI 12.5 एंड्रॉइड 11 अपडेट के बारे में, तो गाइस यहाँ पर आप लोग बता दूँ पोको X3 के लिए जल्द से जल्द एंड्रॉइड 11 का अपडेट भी आने वाला है, उसके बाद गाइस यहाँ पर MIUI 12.5 का अपडेट भी आने वाला है। अब गाइस यहाँ पर पोको X3 के अगर एंड्रॉइड 11 अपडेट की बात करूँ तो काफ़ी यूजर का कहना था कि ये जो अपडेट था इसमें हमें एंड्रॉइड 11 अपडेट आ जाना चाहिए था। गाइस यहाँ पर बिल्कुल बात सही है आप लोगों की, यहाँ पर अपडेट आ जाना चाहिए था बट अपडेट नहीं आया। अब नेक्स्ट अपडेट जो होगा गाइस पोको X3 के लिए, जी हाँ गाइस यहाँ पर पोको X3 के लिए जो नेक्स्ट अपडेट होगा उसमें आपको एंड्रॉइड 11 का अपडेट ज़रूर देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि गाइज यहाँ पर पोको X3 के लिए स्टेबल की टेस्टिंग चल रही है, स्टेबल की चली गई, यानी कि स्टेबल अपडेट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों को रोल आउट कर दिया जाएगा। अब ये कब तक रोल आउट होगा मैंने आप लोगों को बताया, फेब्रुवरी एंड तक देखने के लिए मिल सकता है, अगर नहीं मिल पाता तो गाइज यहाँ पर मार्च के मंथ में आपको डेफिनेटली एंड्रॉइड 11 का अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है पोको X3 में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो जितने भी यूजर पोको X3 के आप लोग थोड़ा सा वेट करो, आप लोग के लिए बहुत ही जल्द एंड्रॉइड 11 का अपडेट आने वाला है। और मैं बात करूँ MIUI 12.5 के बारे में, तो गाइज यहाँ पर MIUI 12.5 के लिए अगर मैं बात करूँ ग्लोबल में जो लॉन्च इवेंट हुआ था तो उसमें आपके डिवाइस का नाम देखने के लिए मिलता है, यानी कि पोको X3 का नाम देखने के लिए मिलता है, जो कि Q2 में ही मिलता है और सेकेंड बैच में देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट बैच Q2 के स्टार्टिंग में रिलीज किया जाएगा और सेकंड बैच Q2 के एंड तक रिलीज कर दिया जाएगा, यानी कि मई और जून के आसपास पोको X3 के लिए भी MIUI 12.5 अपडेट रिलीज हो जाएगा गाइज, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर जो अपडेट शेड्यूल है फिलहाल के लिए ग्लोबल के हिसाब से, इंडिया में अगर MIUI 12.5 का लॉन्च इवेंट होता है तो यहाँ पर भी आपको उसी हिसाब से अपडेट देखने के लिए मिलेंगे और काफ़ी सारे न्यू डिवाइस भी ऐड होकर यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइज यहाँ पर फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा आप लोग के डिवाइस में कब तक न्यू अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही गाइज यहाँ पर अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो यार उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आप लोग के लिए जैसे कोई अपडेट आएगा सभी की लिंक समय पर वहाँ पर देखने के लिए मिलती रहेगी, न्यूज़ भी। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नीचे एक लाल बटन फटाफट से यार उसको प्रेस कर लो, सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।